नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बोर्ड का काम तमाम, जो राज्यसभा से बीजेपी सांसद राज्यसभा के जो काम शुरू किया था और राष्ट्रपति ने जिस पर सिग्नेचर किया था, अब सुप्रीम कोर्ट का विध्वंसक फैसला। 176 संपत्तियां दिल्ली की सोनिया गांधी ने कैसे निगला था और निगल करके वो बोर्ड को दिया था, और ये विध्वंसक फैसला आज आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आप सभी से चाहेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वक्फ बोर्ड के खात्मे का, अश्विनी उपाध्याय ने जो आखिरी ताबूत में कील ठोकी है इसकी, उस पर आप सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजें। लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। इससे पहले हम वक्फ बोर्ड की तरफ बढ़े, दो लाइन सिर्फ आपसे कहना चाहेंगे। आजकल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि संपत्तियां कांग्रेस बांट देगी, मुसलमानों में बांट देगी। कांग्रेस के अमेरिका से सैम पित्रोदा ने कह दिया है कि 55% मुसलमानों को चली जाएगी, 45 ही बचेंगी, जिसके पहले परिवार हिंदू परिवार का। अब कांग्रेस कह रही है हमने ऐसा कहा ही नहीं और हम ऐसा कुछ करते ही नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। अब कांग्रेस ऐसा करेगी कि नहीं करेगी, होगा कि नहीं होगा, हम किसी के कृत्यों को उसके पुराने जो कारनामे हैं, जो किए गए हैं, उसी के विचार पर कर सकते हैं ना। तो जो कांग्रेस कह रही कि नहीं, हम ये जो जमीनें हैं और ये जो बात हो रही सब गलत है, राहुल गांधी कह रहे हैं ये सब गलत है और ये सब भ्रांतिपूर्ण है, ये सब चीजें इस तरह से गलत बातें की जा रही, तो गलत बातें की जा रही तो साहब सुन तो लीजिए, ये गलत बातें कैसे हैं। वह बोर्ड बना करके आपने सारी जमीनें हड़पने का काम आपने कर दिया, शरीयत बोर्ड आपने बना दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपने बना दिया, और कह रहे हो कि हम नहीं करने जा रहे हैं, हिंदुओं को सूतिया समझते हो, हिंदुओं को सूतिया समझते हो। कमेंट बॉक्स में रखिएगा सूतिया का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह हिंदुओं को सूतिया समझता है। वक्फ बोर्ड किसने बनाकर दिया मुसलमानों को? हिंदुस्तान की जनी जमीन मुसलमानों को किसने हड़पने दी? किसने 1995 में एक्ट दिया, इसको मजबूती दी? कौन था वो? आप सभी से चाहेंगे। अभी तो हम आपको एक सच्चाई की तरफ बढ़ने चलना है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये अरे कांग्रेस क्या करेगी, तो बीजेपी का मैं वो है, केवल बीजेपी सगुपा छोड़ रही है। बीजेपी सगुपा नहीं छोड़ रही, आपको सबूत लेकर आए हैं। चलिए अब सबूत की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना। मैं बोले एक बार फिर से कहेंगे, हमारे हाथों को सशक्त करिए, ऐसे लोगों के तो हम बखेड़िया उधेड़ेंगे। आप गूगल पे, फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशि भेजते रहिए। संयोग प्रगतिशील गठबंधन एक था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे यूपीए कहा जाता था। 8 साल से ज्यादा सत्ता से बाहर, मतलब बात करें इस समय लगभग 10 साल से सत्ता से बाहर है, फिर भी इसे कथित घोटाले और तुष्टिकरण की नीतियों की जो सूची है वो अभी भी खत्म नहीं हो रही है। हम आपको इसलिए जगा रहे हैं कि यूपीए के भ्रष्टाचार इतना हालत हो गई कि यूपीए का नाम इंडी अलायंस रखना पड़ा इनको, क्योंकि यूपीए का भ्रष्टाचार इनको अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन इनके द्वारा किए गए कृत्य कैसे पीछा छोड़ेंगे, जो इबादत लिख चुके हैं दीवारों पर, केवल और केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। यूपीए के नाम से सत्ता वापसी सौंपाना संभव ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही निराशा शोर सभी के बीच में ऐसा लग रहा था कि तुष्टिकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का सहारा लिया गया था। कथित तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी समय में यूपीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के बदले दिल्ली के बीचों बीच स्थित बेहतरीन संपत्तियां वक्फ बोर्ड को उपहार में दे दी थी।
ये कह रहे हैं कि आपकी संपत्तियां 55% नहीं लेंगे, आपकी संपत्तियां बांग्लादेशियों को नहीं बांटेंगे, आपकी संपत्तियां रोहिंग्याओं को नहीं बांटेंगे। अरे आप जिस झांसे में ना आए, ये जो मंच पर बहुरूपी बोल रहे हैं, ये जो राहुल खान है, इस खान की बातों में मत आए, ये जो खड़गे है इसकी बातों पर मत आए, कांग्रेस की बातों पर मत आए। उपहार ये आगे आगे तो छूछिए आगे क्या हुआ है, जो इन्होंने करनी की है उसको देखते जाइए और किसके लिए की है। ये वीडियो आपके वोट देने में आपका वोट आंखें जो है ना खोल देंगी। और आज जो कांग्रेस कह रही है सब झूठ है, वो सारा सच आपके सामने यही बता देगी कि हाँ ये सारी चीजें सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोला हुआ वो वक्तव्य, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कह दिया कि हमारे हिंदुओं की मंगल सूत्र भी, हिंदुओं की संपत्तियां, हिंदुओं के गहने, हिंदुओं के बैंक अकाउंट के पैसे सब उठा के मुसलमानों को, उन 15-15, 20-20 बच्चों वालों को, बहरूपियों को, रोहिंग्याओं को और देशद्रोहियों को दे देंगे, ये सच है। हम आपको कोर्ट की तरफ भी लिए चलेंगे कि कोर्ट क्या क्या कुछ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बब बोर्ड के पास भारत, आपको पता है तीसरा बड़ा स्वामित्व है, हम बार बार याद जाते हैं, भारतीय रेलवे रक्षा के बाद तीसरा स्थान है। कथित तौर पर इस अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के लगभग इस समय कुल मिला के 10 लाख एकड़ के आसपास से ज्यादा की संपत्तियां इसके पास पहले हुई है। विशाल भूमि बैंक की कीमत लगभग कई लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। धर्म की आड़ में सारी भूमि हड़पने का जो वैधानिक बना दिया गया, वो किसने किया था? सत्ता के भूखे मिली भगत और सत्ता की भूखी कांग्रेस, ये सोनिया गांधी ने पूरा खेल खेला था, बेरोटे रोक टोक के पूरा खेल चलता रहा। सोचिए 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर पर कब्जा कर लिया, जहां 1200-1300 साल पुराना खुद का धर्म है और 1500 साल पुराने धर्म को उसको ये हड़पने का प्रयास कर रहे थे। इन्हें धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नाम देकर जो संस्थापक संख्यक संस्थानों को दिए जाने के वाले गंभीर संविधानोत्तर विशेषाधिकारों को उजागर करता है। इससे एक भयावह भावने को कहीं ना कहीं सामने ला दिया है कि जिसमें यूपीए सरकार के समय किस तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों के एजेंट के रूप में काम करती थी। मनमोहन सिंह का भी कोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और मनमोहन सिंह कहते थे देश के सभी संसाधनों का हक सबसे पहले किस पर है? मुसलमानों पर है और मुसलमानों का ही है, माफ कीजिएगा, मुसलमानों का ही है। और ये कहते हैं कि हम नहीं देंगे आपके, इसलिए पुराने कृत्यों को हमने उठाया है और आप सभी जनता हमें सपोर्ट करते रहे गूगल पे फोन पे के माध्यम से, और इस वीडियो को शेयर तो जरूर करिएगा अपने हित मित्रों को, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया लिखिए। जो लोग कह रहे हैं अरे ये तो चुनावी एजेंडा है मोदी का चुनावी एजेंडा है, तुम्हारी ली जा चुकी है ढंग से सारी संपत्तियां, आपको पता नहीं है, सारी संपत्तियां ली जा चुकी हैं आपकी वह बोर्ड के जरिए। यूपीए ने 2014 लोकसभा चुनाव जीतने का जादू की छड़ी घुमाई थी और कांग्रेस पार्टी के पिछले फैसलों के कारण मिस्कुल में जब घिरी, तब आरोपों में 2014 में आदर्श आचार संहिता की घोषणा के ठीक पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां सौंप दी। कथित तौर पर एक कलम से के झटके ने इसे जमीनों को अपने स्वामित्व छोड़ दिया और इसे आजादी के बाद विरासत में मिली थी। और 5 मार्च 2024 को यूपीए कि प्रशासन ने 123 प्रमुख संपत्तियों को गैर सूचित कर दिया, जिससे वह बोर्ड की अवैध भूमि हड़पने की वैधता मिल गई। अब सोचिए सेकुलर वाले कहां गए, जो बिल में घुसे थे, निकल आओ सेकुलर कीड़ा, निकालो अपने मन से, निकालो जो कह रहे हैं आपकी बार नहीं होगा, अरे अरे ये हड़पेंगे, ये आपकी संपत्तियां हड़पेंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूं ये हड़प चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, इनका चेहरा दिखा रहा हूं, असली बुरके के पीछे छिपा हुआ चेहरा सोनिया गांधी का, बुरके के पीछे ये सारा चेहरा आपको दिखा रहा हूं, राहुल गांधी का टोपी, गोल टोपी, जालीदार के पीछे का चेहरा दिखा रहा हूं, राहुल खान को असली बता रहा हूं।
अब रिकॉर्ड के अनुसार 61 संपत्तियां केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन भूमि विकास एवं कार्यालय के पास थी और 62 दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA के पास थी। उल्लेखनीय इस कदम को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद समय पर मंत्रालय ने नेतृत्व में कमलनाथ कर रहे थे उस समय। UPA द्वारा सरेंडर की गई इन अपैध संपत्तियों को कनॉट प्लेस, जनपद मथुरा रोड, करोलबाग जैसे इलाकों में मौजूद उच्च वाली संपत्तियां जो थी मूल्य वाली उनको दिया गया था। स्वामित्व के अधिकारों को के उक्त सरेंडर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों पर निर्माण और नवीनीकरण कार्य करने की अनुमति दे दी थी। हालांकि तुष्टिकरण की राजनीति को तुरंत अदालत में चुनौती दी गई थी विश्व हिंदू परिषद द्वारा और यूपीए के आत्मसमर्पण को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और VHP ने यूपीए सरकार का अल्पसंख्यक समुदाय को अनुचित लाभ पहुंचाने का उस समय आरोप भी लगाया था। अगस्त 2014 में तो उसका उच्च न्यायालय ने VHP की याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार भूमि विकास कार्यालय के सभी पक्षों को सुनवाई के लिए उचित निर्णय लेने को कहा था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे जिससे संपत्तियां वक्फ बोर्ड को बाहर नियंत्रण जाने से बच जाए। 2016 में केंद्र सरकार ने इस मामले पर एक संसदीय कमेटी का गठन किया और उसे 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि केंद्र सरकार ने अनिर्णायक रिपोर्ट को खारिज कर दिया। बाद में अगस्त 2018 में मोदी सरकार ने उस उद्देश्यों को 2 सदस्यीय समिति नियुक्त की। नवंबर 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संपत्तियों के संबंध में जनता प्रतिनिधित्व तो आमंत्रित किया। इसी साल मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर के केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। उक्त भूमि हस्तांतरण मामला तुष्टिकरण की राजनीति का एक ज्वलंत उदाहरण है जिसमें कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों को दी गई विशेष शक्तियों का अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। हाल के विवादों में वक्फ बोर्ड की शक्तिशाली प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों को उजागर किया गया है। अब समय आ गया है कि वक्फ बोर्ड के अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए जो इस निकाय के संविधान को इतर शक्तियां देता है ताकि इसी भयावह भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जा सके। आपने समझे कुछ जो आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, कांग्रेस करी अरे 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 हम नहीं ऐसा करेंगे। आपने देख लिया ना क्या किया था इन्होंने, और गूगल मार के देख लो यार, बहुत सारे कहेंगे झूठ खबर है, गूगल मार के देख ले भाई, जाके गूगल मार और देख ले कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सब समझ में आ जाएगा। चमचा है तो भी देख ले एक बार जाकर के। इसलिए कह रहे हैं तुम्हारी 55% संपत्तियां जाएंगी तुम्हारे घर में। इस समय अगर आज का चुनाव, आज की डेट है कितनी तारीख है, और जब चुनाव हो जाएंगे जिस दिन परिणाम आएंगे सरकार पहले कैबिनेट में क्या कहेगी, तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे ना, 5-5.5 लाख गए बेटा गए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं एक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपके पिताजी की मौत हुई, आपके पास 10 बीघा खेत थे, 5.5 बीघा गए कैसे जाएंगे, ऐसे ही वक्फ बोर्ड के खाते में जैसे भी गए हैं। इसलिए मैं सबूतों के साथ आता हूं आपके सामने, बिना सबूतों के साथ नहीं, कि जो कर्म कर चुके हैं ना उसी कर्म को दिखा करके मैं आपको, अगर आप कहें मैं आगे के लिए आपको डरा रहा हूं तो ठीक है मैं डरा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ना डर जरूरी है और डर के आगे ही जीत है। इसलिए डर के आगे जीत का आपको दिलाने का प्रयास कर रहा हूं और सोचने का प्रयास कर रहा हूं। अब इन सबके बीच में एक ही तेज तर्रार वकील है देश भर में, वो है अश्वनी उपाध्याय। बाकी तो सब चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं और सब पता नहीं क्या करते हैं, ये समझ नहीं आता। मैं माफ कीजिएगा, मैं इस तरह से हर वकील या किसी संस्था किसी चीजों को नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ एक तेज तर्रार नेता है। बाकी चूड़ियों का मतलब मैं सर वकीलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग कम से कम निकल के बाहर नहीं आते। तो इसलिए कभी भी अपने ऊपर मत लीजिएगा कि मैंने अगर एक वकील को कह दिया तो बाकी को चूड़ियां पहनने की बात कर रहा हूं, कतई नहीं, ये मेरा ऐसा कहने का वक्तव्य कहीं नहीं है। अगर आपको लगता है तो यही माफी चाहता हूं। तो वक्फ बोर्ड के लिए एक ही तलवार, और तलवार कौन है, अश्वनी उपाध्याय। आपको बता दें CA के लिए 236 याचिकाएं पकड़ी थी, 237 याचिकाएं, 236 याचिकाएं CA को खत्म करने के लिए पड़ी थी। एक याचिका CA नहीं खत्म किया जाए वो पड़ी थी, वो किसने किया था, अश्वनी उपाध्याय ने। आगे बढ़े, आप सभी को चाहेंगे कि हमारे हाथों को सपोर्ट को, हमारे हाथों को
वो करें, मजबूत करें। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता गूगल पे फोन पे के माध्यम से भेजते रहें। चलिए बढ़ते हैं आप सुनील उपाध्याय की तरफ। एक याचिका डाली गई संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड है। 1995 के भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अल्पसंख्यक संरक्षण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, ये 1995 का एक्ट। याचिका में कहा गया यदि विवादित अधिनियम अनुच्छेद 29-30 के तहत गारंटी कृत अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया तो इसमें सभी अल्पसंख्यक यानी जैन धर्म, बौद्ध, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहाई, पारसी धर्म, ईसाई धर्म के अनुयायियों को शामिल किया जाना चाहिए, ना केवल इस्लाम के अनुयायियों को। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में खास तौर पर वक्फ अधिनियम के भारत के संविधान के अनुच्छेद 14-15 के बीच असंगति का जोर दिया गया। अनुच्छेद 14-15 सरकार को किसी भी धर्म के नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान या इसके किसी भी आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अपनी याचिका में उपाध्याय ने कहा कि धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863, भारतीय ट्रस्टी अधिनियम 1866, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890, आधिकारिक ट्रस्टी अधिनियम 1913 और धर्मार्थ धार्मिक अधिनियम 1990 सभी समुदायों को ट्रस्टीशिप और धार्मिक बंदोबस्ती का मार्गदर्शन करते हैं। याचिका में आगे कहा गया लेकिन उन्होंने एकीकृत करने के लिए ट्रस्ट, ट्रस्टी, धर्मार्थ और धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्ती और धार्मिक संस्थान के लिए एक समान संहिता बनाने के बजाय केंद्र ने मनमाने ढंग से अनुच्छेद 14-15 के मूल सिद्धांतों के खिलाफ विवाद धर्म पक्षपाती अधिनियम लागू किया। इस कानून से अश्विनी कुमार उपाध्याय कहते हैं उनके द्वारा सवाल खड़े किए गए कि गैर मुस्लिम इससे असहाय हो गए। उन्होंने कहा वह बोर्ड के गलत काम से स्थिति से हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई समुदाय जितने भी थे वो सभी उनको कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराता। इसमें लिए मूल रूप से यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति का वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्ति घोषित की जाती है तो उसे वक्फ बोर्ड को सौंपना होगा। इस तरह की बात है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड द्वारा अनुचित दावे के खिलाफ एकमात्र सहारा है वक्फ न्याधिकरण के तहत उपलब्ध का है। उपाध्याय ने याचिका में इसके बदले मांग की गई कि उन्हें न्यायपालिका के वक्फ न्याधिकरण के गैर अनिवार्य बनाने के लिए कहा और वैकल्पिक रूप से अश्विनी उपाध्याय ने सुझाव दिया कि इस मामले को केवल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के तहत चलाया जाना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं वक्फ बोर्ड और इस संपत्तियां, अब आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे ईवीएम को बटन दबाने से पहले। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं लेगी, मोदी गलत बोल रहे हैं, आपकी घरों के जीवन नहीं लेगी, देख लो वक्फ बोर्ड आपके सामने है, शरीयत आपके सामने है। और साफ इन्होंने कहा है कि सीए वापस लाएंगे, इन्होंने कहा है ट्रिपल तलाक वापस, शरिया कानून वापस, मस्जिद वहां बनाएंगे, मस्जिद के लिए जगह दे देंगे यानी कि मंदिर को। तो साहब समझ जाइए इस्लामीकरण के इनका एजेंडा, और अब की बार कांग्रेस को शून्य कर दीजिए, कांग्रेस को अब की बार शून्य कर दीजिए। हालांकि 20 से कम सीटें इनकी आ रही हैं लेकिन फिर भी शून्य करने में मदद करिए क्योंकि इनका अंत ये शून्य है और शून्य को शून्य किया जाना चाहिए। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।